समर कैंप की जो क्लास है वो है होममेड मास्क। जैसा कि हम देख रहे हैं COVID-19 में हमें मास्क की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उसी के साथ हम लोग घर बैठे कैसे मास्क बना सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हैंकी से किस तरह मास्क बना सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले हैंकी, इस साइज का हैंकी चाहिएगा और दो रबर बैंड। हैंकी से हम मास्क कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें इसे वन साइड से फोल्ड करना रहेगा और सेकेंड साइड से भी फोल्ड करना रहेगा, कुछ इस तरीके से। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको, पहले हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से इसे फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं आप लोग, फिर जो दो रबर बैंड है उसे हैंकी के दोनों कॉर्नर पर लगा देंगे। इस तरीके से एक कॉर्नर पर, सेकंड कॉर्नर पर भी इसी तरीके से रबर बैंड बाहर का हिस्सा है इसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करना रहेगा, कुछ इस तरीके से। दोनों साइड से हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। किस तरह हम घर बैठे ही मास्क रेडी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह हैंकी से मास्क को रेडी किया है। मास्क बनाने की सेकेंड ट्रिक जो है उसमें आपको चाहिएगा कोई भी कपड़ा, आप ले सकते हो। मैंने जो लिया है वो पॉलीथीन का कपड़ा ले रखा है और चाहिएगा आपको दो रबर बैंड और स्टेपलर। इसे हम बनाएंगे स्टेपलर की सहायता से। तो देखिए हम किस तरीके से बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसे फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने दूसरा फोल्ड किया है, अब इसी तरीके से तीसरा फिर फोल्ड करूंगी। इसी तरीके से हमें तीन बार फोल्ड करना है। तो
देखिए किस तरीके से मैंने इसे 3 बार फोल्ड किया है। आपको भी इसी तरीके से इसे फोल्ड करना है। अब इसे हम स्टेपलर करेंगे दोनों साइड से, 1 बाय 1 स्टेपलर करेंगे। जो पहला फोल्ड किया है वहां पर हमने स्टेपलर किया है, दूसरी साइड से भी उसी तरीके से स्टेपलर कर देंगे। अब हम जो तीसरा फोल्ड किया है उस पर भी स्टेपलर लगा देंगे। ये मैंने एक साइड से स्टेपलर किया है, अब सेकेंड साइड भी इसी तरीके से हम लोग स्टेपलर करेंगे। 1 बाय 1 तीनों पर हम लोग इस तरीके से स्टेपलर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिजाइन आपको नजर आ रही है। अब हमें जो 2 रबर बैंड लिए थे हमने, वो दोनों साइड से हमें इस तरीके से लगा देने। कुछ इस तरीके से लगा दिया है हमने। अभी जो पिन वाला भाग है इसे अंदर की ओर फोल्ड करके यहाँ पर भी हमें स्टेपलर कर देना है। कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है। अब सेकेंड यहाँ पर भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर स्टेपलर कर देंगे। देखिए हमारा सेकेंड मास्क भी रेडी है। देखिए हमने किस तरीके से ये सेकेंड मास्क भी रेडी कर लिया है। अब आपके सामने मैं दोनों मास्क दिखा रही हूँ। ये जो होममेड हैंकी से बनाया हुआ मास्क है ये आप देख रहे हैं, और दूसरा जो है वो पॉलीथीन से बनाया गया मास्क है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम घर पे हैंडवॉश बना सकते हैं। हैंडवॉश बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या चाहिएगा। हैंडवॉश बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल, कुछ सोप के टुकड़े। आप सोप के टुकड़ों की जगह कोई पूरा सोप भी यूज कर सकते हैं। बॉइल किया हुआ वाटर और डेटॉल। सोप को कट करने के लिए हमें चाहिए सीजर। आप चाकू का भी उपयोग कर सकते हैं या ग्राइंडर में भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे मार्केट में महंगे हैंडवॉश मिल रहे हैं। हम बहुत इजी तरीके से घर पे होममेड हैंडवॉश बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे, आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो हम लेंगे पहले सबसे सोप। आप कोई भी सोप ले सकते हैं। हम
हमारे घर में कुछ ऐसे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे ऐसे कट कर देंगे। कट कर लिया है कुछ इस तरीके से, आप नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। इसे हम एक बाउल में ले लेंगे। जिस तरीके से ये रहेगा, नेक्स्ट हम लेंगे बॉइल किया हुआ वाटर। ये बिल्कुल गर्म पानी है, जैसे ही गर्म होता है आपको इसमें डालना रहेगा, थोड़ी क्वांटिटी में डालना है। हम इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे। पानी इतना ही डालना है कि वो बिल्कुल लिक्विड नहीं हो, थोड़ा गाढ़ा है। इसे अच्छा फेंट देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये 15 मिनट बाद कुछ इस तरीके से पेस्ट बन जाएगा, जो सोप और बॉईल किए हुए वाटर से हमने बनाया। अब इसमें हम ऐड करेंगे डेटो। बिल्कुल कम मात्रा में हमें डेटोल का उपयोग करना है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। जैसा कि हम मार्केट से परचेस करते हैं, बहुत कॉस्टली होता है, तो बहुत इजी तरीके से बहुत अच्छे से घर पे बना सकते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो। इसे यूज करके बताती हूँ कि यूज करने पर किस तरीके से दिखाई देगा। जो हमारा नॉर्मल हैंड वॉश होता है उसी तरीके से ये काम करेगा। आप इसे हैंड वॉश कर सकते हैं और घर पर हैंड वॉश बना सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं होममेड सैनिटाइजर। तो देखिए उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले ऑयल, कोकोनट ऑयल, डेटोल, गुलाब जल और एलोवेरा जेल। फिर से आप देखिए कि हमें क्या किन किन चीजों की जरूरत रहेगी। कोकोनट ऑयल, डेटोल, गुलाब जल और एलोवेरा जेल, इन चार चीजों की हमें जरूरत रहेगी सैनिटाइजर बनाने की। सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा जेल। अब कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, या फिर आप घर पे भी एलोवेरा जो होता है उससे भी ये बना सकते हैं। ये हमने एलोवेरा
हम लेंगे गुलाब जल, जिसकी क्वांटिटी 2 बूंद लेंगे। अब हम लेंगे कोकोनट ऑयल, जिसकी क्वांटिटी रहेगी 1/2 स्पून। अब हम लेंगे डेटोल, जिसकी क्वांटिटी रहेगी 1 स्पून। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा सैनिटाइजर बनाया है, आप आपके अकॉर्डिंग जितना ज्यादा बनाएंगे उस अकॉर्डिंग आपको चीजें भी ज्यादा यूज में लेनी रहेगी। मैंने एलोवेरा जेल थोड़ा सा ही लिया है, इसलिए डेटोल की और सबकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ही मिली है। अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है। इसमें हमने एल्कोहल की जगह डेटोल लिया है, डेटोल में भी एल्कोहल रहता है। देखिए किस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से फेंटना रहेगा, कुछ इस तरीके से ये सैनिटाइजर रेडी होगा। ये हमारा होममेड सैनिटाइजर रेडी है। किस तरीके से हमने इसे बनाया था, इसमें क्या क्या चीज़ें ली थी आपको जैसे कि बताया गया है। सबसे पहले हमने एलोवेरा लिया था, फिर कोकोनट ऑयल लिया था, थोड़ा सा गुलाब जल और डेटोल। इन सबको बहुत अच्छे से हमने फेंटा था। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो सैनिटाइजर है वो रेडी हो चुका है। इससे मैं आपको यूज करके भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए,